Hello students, good morning. Hope you all are fine students. Today is your social science. Welcome to our Navnidhi International School online video platform. Students, Standard 4, Social, Chapter 9, Forest and Wildlife, Part 4. आज हम क्या पढ़ेंगे students? Wildlife, forest के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं already. आज हम wildlife के बारे में पढ़ाई करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, कुछ हार्ड वर्ड्स है जिसको आपको 3 times लिखना है और लर्न भी करना है. डेंस, वेराइटी, रिड्यूस, पॉचिंग, प्रिवेंट, सेंचुरीज, इलीगल. इसके अलावा भी अगर आपको कोई हार्ड वर्ड लगेगा अपनी बुक में से तो आप लोग लिख सकते हैं. ओपन योर पेज नंबर 67. वाइल्ड लाइफ. द डेंस फॉरेस्ट आर होम टू ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे रहने के लिए हमको एक घर चाहिए, एक मकान चाहिए. यहाँ पे भी आपकी जितने भी डोमेस्टिक एनिमल को छोड़कर बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको भी तो रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, कोई गुफा चाहिए, कोई पेड़ के ऊपर वो अपने नेस्ट बना के भी रहते हैं बर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जितने भी सारे हमारे वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड जानवर से उनको रहने के लिए फॉरेस्ट की जरूरी है. एमंग द वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया फॉरेस्ट आर. और हमारे देश में कौन से वाइल्ड एनिमल देखने मिलता है? लायंस, टाइगर्स, हिरोनास, लेपर्ड, एलिफेंट्स, बियर्स, लंगूर्स, डियर, सम्बर्स, ब्लैक बक एंड द गेजली. रिपीटर्स यानी कि सरीसृप, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, कोबरास एंड पाइथन्स. वाइल द रेयर बर्ड्स पक्षी में कौन सी है? बस्टर्ड, क्रेन्स, फ्लेमिंगोस, स्ट्रोक्स एंड हिरोन्स. ये सब वाइल्ड एनिमल्स, रिपीटर्स एंड बर्ड्स जो नाम दिया गया है उसके नीचे का आपको अंडरलाइन करना है और लर्न भी करना है. वाइल्ड एनिमल्स में लायन, टाइगर, डियर, बियर, रेपिटल्स में आपके क्रोकोडाइल, घरियाल्स, कोबरा एंड पाइथन्स, बर्ड्स में आपके बस्टर्ड, क्रेन्स, फ्लेमिंगो, स्ट्रोक एट्सेट्रा. इसको अंडरलाइन करके लर्न करना है. द नंबर हैव बीन ग्रेजुअली रिड्यूस ओवर द ईयर्स ड्यू टू पोचिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ए वेरियस पर्पज. और स्टूडेंट्स, आज से 15 साल पहले जितने आपके वाइल्ड लाइफ जानवर थे, एनिमल्स थे, आज उनकी संख्या कम हो गई है. क्यों? हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए उनको पकड़ के बाहर देश में बेच देते हैं. उनकी स्किन के लिए, उनकी चमड़ी के लिए हम उनको मार देते हैं. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर एवरी टस्क. हाथी देखा है स्टूडेंट्स, एलिफेंट, उनके जो व्हाइट टस्क रहती है बहुत कीमती रहती है. हम इतने बड़ा जानवर को मार देते हैं कुछ पैसों के लिए, उनकी टस्क को बेचने के लिए. लेपर्ड्स एंड टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन. टाइगर, लेपर्ड जो चीता रहते हैं उनको अपनी चमड़ी के लिए, खाली चमड़ी चाहिए अपने को, उसको बाहर देश में बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसके लिए हम उनको मार देते हैं. टीथ एंड नेल्स, उनके दांत और नाखून के लिए. डियर एंड रेनोसर्स आर किल्ड फॉर द स्किन एंड हॉर्न्स. डियर और रेनोसर्स, उनकी चमड़ी और उनका सिर के ऊपर जो सिंग रहता है वो बहुत कीमती रहता है, इसके लिए हम कुछ सोचे बगैर उनको मार देते हैं. क्रोकोडाइल्स एंड स्नैक्स आर किल्ड फॉर द स्किन. क्रोकोडाइल और स्नैक को भी हम उनके स्किन के लिए मार देते हैं. बर्ड्स आर कैप्चर्ड, कैज एंड सोल्ड इन हाई प्राइस. और जो पक्षी है उनको पकड़ लेते हैं, उनको बंदी बना देते हैं और बाहर उनको ऊँची कीमत पर बेच देते हैं. टर्न योर पेज 68. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप गेम सेंचुरीज एंड पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स की संख्या कम होती गई तो उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने क्या किया स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए 1972 में.
जो कि उनको वाइल्ड एनिमल्स यानी कि वन्य जानवर को, जंगल के जानवर को मारना एक अपराध में गिना जाता है। वेयर बाय किलिंग ऑफ एंगेज स्पाइसेस ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिकेम क्रिमिनल ऑफेंस। आप कोई भी जंगली जानवर या पक्षी को अगर मारेंगे तो एक क्रिमिनल ऑफेंस के नाम पे आपके ऊपर केस हो सकता है। सेल आइवरी एनिमल स्किन एंड देयर बॉडी पार्ट इज ऑल्सो बैंड। और हाथी का जो टस्ट होता है वो, और जानवर की चमड़ी, ये सभी भी बेचना बंद हो गया है। फेमस एमंग द सेंचुरीज इन इंडिया आर द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। और उनको बचाने के लिए सरकार क्या कहे हैं, सेंचुरीज बनाए हैं जिसके अंदर हमारे वाइल्ड एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं और रह सकते हैं। उसमें से जो एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। द काजीरंगा पार्क इन आसाम, काजीरंगा पार्क आसाम में है। वेयर द वन हॉर्न रेनो इज फाउंड, जहाँ पे एक सिंग वाला रेनोसरस देखने मिलेगा। द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, हमारी गुजरात में गिर फॉरेस्ट सेंचुरी है। द एसेटिक लायंस आर फाउंड एंड सुंदरबन, सुंदरबंस में भी एसेटिक लायंस वगैरह देखने मिलेंगे। द होम ऑफ द बंगाल टाइगर सुंदरबन, जहाँ पे एक बंगाल टाइगर देखने मिलेगा जिसकी संख्या बहुत कम हो गई, अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है सरकार ये स्टेप लेने के बाद। एमंग अदर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द रणथंभौर इन राजस्थान, पेरलाल इन केरला एंड कहाँ इन मध्य प्रदेश। मोस्ट ऑफ आवर ये सेंचुरीज का स्टूडेंट्स नाम भी उसको अंडरलाइन करना है, लर्न करना है। मोस्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड टू रिजर्व एरियाज, फिलिंग ऑफ ट्रीज इन दिस एरिया हैज बीन डिक्लेयर इलीगल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सरकार क्या करती है, धीरे धीरे ट्री भी लगाती है, और उत्तर रीजन में उसी एरिया में जाएंगे तो आप पनिशेबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पीरियड में उससे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, आप इसको 3 times लिख के लर्न करके रखना है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।